जय माता की भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे यक्षिणी साधना। यक्षिणी साधना यानी यक्षिणी को प्रसन्न करके आप अपनी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। विषय को चालू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। तो यक्षिणी साधना हमारे वेद पुराणों में यक्षिणी को आसुरी शक्तियों में माना गया है और ये भी देवी देवताओं की तरह भक्तों का मनोरथ पूरा करती हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इनकी साधना के नियम सामान्यतः एक जैसे ही हैं, यानी कि मंत्र साधना के जरिए से मंत्र की जो संख्या है उसकी साधना करके इनको प्रसन्न किया जा सकता है और ये यक्षिणियाँ सभी प्रकार के मनोरथ पूरा करती हैं। आने वाले समय में और भी यक्षिणियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि यक्षिणियाँ देवताओं की तरह ही काम करती हैं और भक्तों का मनोरथ पूरा करती हैं। इस विषय को यहीं समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सीधी मिले। जय माता दी।